हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अगर हम एक सिंपल सा डेट दिया हो तो उसको कैसे मंथ में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात मान लीजिए 12/6/2012 लिखा गया हो तो ये उसमें जो छठवां महीना आया हो तो उसको क्या कहते हैं, जैसे जून होता है, तो वो चीज़ हम एक्सेल में फॉर्मूले के माध्यम से कैसे करते हैं, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर शीट बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें लिखा है चेंज डेट इंटू मंथ। यहाँ पर डेट है और यहाँ पर मंथ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कुछ डेट लिखा है, जैसे 12/6/2012, 13/7/2021, ठीक है, और यहाँ पर मंथ है। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाऊंगा, उसी फॉर्मूले के माध्यम से ये क्या होगा, डेट चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला आपको लिख लीजिएगा, इक्वल टू TEXT टेक्स्ट आपको टाइप करना है, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रेकेट ओपन, ठीक है ना। वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू जो हमारा डेट है वही हमारी क्या है, वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू को देने के बाद आप लगाएंगे कॉमा, ठीक है, और डबल कोटेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डबल कोटेशन है, डबल इंडेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको किस में चेंज करना है, मंथ में चेंज करना है। तो आप मंथ फॉर्मेट के लिए यहाँ पे MMMM यानी चार बार M लिखेंगे और डबल कोटेशन बंद करेंगे, ठीक है। आप लगाएंगे इक्वल टू टेक्स्ट ब्रेकेट ओपन करेंगे, वैल्यू आप डेट को देंगे और कॉमा डबल कॉमा में चार बार M लिखेंगे और डबल कोटेशन को बंद करेंगे और क्या करेंगे, आप ब्रेकेट को क्लोज कर देंगे। ब्रेकेट को क्लोज करने के बाद आप इंटर दबाएंगे। अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इंटर दबाया तो यहाँ पे जून लिख रहा है, यानी छठवां महीना क्या है, जून है, ठीक है। और इसी तरह मैं सभी को पकड़ के अगर ड्रैग कर दूँ तो ऑटोमेटिक ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए जुलाई, अप्रैल, सितंबर, जून, मार्च, जून, अगस्त, फरवरी, ऐसे करके आप किसी भी डेट में से एक स्पेसिफिक मंथ को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।